रायबरेली सदर कोतवाली क्षेत्र में एक कुत्ते ने इस कदर आतंक मचा रखा था कि आम जनता पुलिस भी इस डर से भयभीत दिखी। जगह जगह देखने को मिला जहां 18 लोगों को 24 घंटे में काटने का रिकॉर्ड इस कुत्ते ने बनाया। इस मामले को लेकर आम जनता में काफ़ी आक्रोश दिखा। इस घटना को जब पुलिस प्रशासन और वह आम जनता ने नगरपालिका और पशु विभाग से शिकायत की तो दोनों विभागों की टीमों ने अलग अलग 4 टीमें गठित की और वह लोग जाल और अपनी गाड़ियों को लेकर शहर के अलग अलग इलाकों में निकल पड़े। लेकिन शहर की ही सभासद पूनम तिवारी ने इस मामले में सभी का सहयोग किया और सुपरमार्केट के ठीक सामने उस कुत्ते की जानकारी पता चली। जैसे ही इस जानकारी का पशु विभाग और नगरपालिका को मिली तुरंत उस क्षेत्र में उन लोगों ने घेराबंदी की और उस कुत्ते की बड़े मुश्किल से उस कुत्ते को पकड़ पाया है। लेकिन इस कुत्ते के काटने से जिन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है उससे आम जनता में कुत्तों के आतंक को लेकर काफ़ी आक्रोश है। ये क्या नाम है आपका? राजकुमार सोनी। ये डंडा वगैरह क्यों लेके आया है? अरे भैया कुत्ते ने आतंक मचा रखा है यहाँ पे। कितने लोगों को काटा है? 16 लोगों को काट चुका है। कहाँ पे? यही सुपरमार्केट में। और यही घूम रहा है तो डंडा लेके आप लोग चलते हैं? भैया क्या करें, अगर डंडा नहीं लेंगे तो हमला बोल देगा और वो पागल कुत्ता है वो। क्या नाम है आपका? मैं पूनम तिवारी, सभासद इंदिरा नगर, रायबरेली। यहाँ पे क्या हो रहा था, क्या है, दिक्कत आ रही थी? यहाँ पे मुझे दोपहर में सूचना मिली, पारुल वाजपेयी ने मुझे सूचना दी कि यहाँ पर एक पागल कुत्ते ने 18 लोगों को काट लिया है और दौड़ा दौड़ा पूरे सुपर मार्केट में काट रही। मैंने इसकी सूचना तत्काल CBO साहब को दी। CBO साहब बछराओं में थे, उन्होंने कहा मैं टीम भेज रहा हूँ, अभी बछराओं में नोडल अधिकारी आई है, उनके साथ निरीक्षण करा रहा हूँ। मैंने तत्काल इसकी सूचना EO साहब को दी। EO साहब ने कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप CBO से बात करिए, किसी और से बात करिए, नगर पालिका कोई जिम्मेदारी नहीं। यही नगर पालिका के नाक के तले ये 18 लोगों को, इतनी भरी मार्केट में 18 लोगों को काट चुका है, लेकिन नगर पालिका पूरी तरह से निरंकुश है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी CBO साहब का कि उन्होंने टीम भेजी और पागल कुत्ते को पकड़ा गया, जिससे कि यहाँ रैन बसेरा बसे और सुपर मार्केट में लोगों की जान की रक्षा हो सके।